गोल आपका ड्रीम हमारा वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला वेलकम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम अपने जो सेकेंड टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव और उसके प्रकार के बारे में देखेंगे इससे डेफिनेटली फाइव मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है क्लासिफिकेशन के ऊपर उससे पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट इसके बारे में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक ड्राइव होता क्या है वाट इज़ इलेक्ट्रिक ड्राइव तो इलेक्ट्रिक ड्राइव इज़ अ मशीन इट इज़ अ मशीन और इक्विपमेंट डिजाइन टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ एब प्रोसेस इलेक्ट्रिक ड्राइव ऐसा मशीन और इक्विपमेंट है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन इस कन्वर्जन प्रोसेस को वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल भी कर सकता है इसके मेजर जो पार्ट्स होते हैं मुख्य जो इसके भाग हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव के उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटर और लोड लोड होता है हमारा ठीक है मैकेनिकल लोड और उसको चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर और इस इलेक्ट्रिक मोटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है हमारा पावर मॉड्यूलेटर पावर मॉड्यूलेटर को हम देते हैं सप्लाई और ये सप्लाई देता है मोटर को और मोटर चलाता है लोड को लेकिन ये जो पावर मॉड्यूलेटर होता है ये अपने वर्किंग के लिए एक सेंसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट का यूज़ करता है इसको भी हम इनपुट कमांड देते हैं कंट्रोल यूनिट को तो ये क्या करता है सेंसिंग यूनिट से इनपुट ले के जो कंट्रोलिंग करके आउटपुट देता है पावर मॉड्यूलेटर को और पावर मॉड्यूलेटर पावर में चेंजेस करके मोटर के ऑपरेशंस को फिर से रीप्रोग्राम करता है पावर मॉड्यूलेटर पावर में चेंज करके मोटर को सप्लाई देता है जिससे मोटर का जो आउटपुट है वो चेंज होता है और लोड के लिए सुटेबल बन जाता है तो इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है यहाँ से इनपुट कमांड कंट्रोल सिस्टम को मिलता है कंट्रोल यूनिट को और कंट्रोल यूनिट सेंस करता है लोड के नेचर को और लोड के नेचर के अकॉर्डिंग ये पावर मॉड्यूलेटर को सिग्नल देता है और पावर मॉड्यूलेटर सोर्स से कनेक्टेड होता है जो डायरेक्ट सप्लाई लेता है और उस सप्लाई को डिजायरेबल जो हमारा मूवमेंट है डिजायरेबल जो हमारा प्रोसेस है उसमें कन्वर्ट करने के लिए मोटर को उसी तरह की सप्लाई देता है जिससे मोटर का जो ऑपरेशन है उसका मोटर का जो आउटपुट है वो चेंज हो जाता है और वो मिलता है लोड को और लोड उसी हिसाब से चलने लगता है इस तरीके से इलेक्ट्रिक ड्राइव का ये स्कीमेटिक डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम है जिसको आप नोट कर सकते हो और एग्ज़ाम में लिख भी सकते हो आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल है कि लोड होता क्या है लोड एक मशीनरी है जो किसी टास्क को परफॉर्म करती है साथ में जो मोटर होता है मोटर क्या है मोटर उस मशीनरी को चलाता है जो कोई टास्क परफॉर्म करती है ठीक है मतलब वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है मतलब मोटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और मोटर उसको मैकेनिकल में बदल देता है और बदलने के बाद उसको वो उसका जो साफ्ट होता है मोटर का वो कनेक्टेड होता है लोड के साथ और मोटर के साथ लोड भी मूव होने लगता है रोटेट होने लगता है तीसरा मॉड्यूलेटर है ये ब्रेन का, का काम करता है इलेक्ट्रिक ड्राइव के कंट्रोल इसके अंदर क्या होते हैं कंट्रोल यूनिट और सेंसिंग यूनिट को मैंने इसी के अंदर दिखाया है तो कंट्रोल यूनिट दिमाग का, का काम करता है मतलब वो सेंस करता है ठीक है सेंसिंग यूनिट के द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है उसको कंट्रोल यूनिट लेता है और कंट्रोल यूनिट इसको प्रोसेस करके किसको देता है पावर मॉड्यूलेटर को और पावर मॉड्यूलेटर फिर अपने में चेंजेस करके जो सप्लाई मोटर को दी जा रही है उस सप्लाई में चेंज करता है और जिससे मोटर का जो आउटपुट है वो बदलता है लोड के लिए सुटेबल बन जाता है इस तरीके से जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक ड्राइव का वो हमने देखा अब हम उसके एडवांटेज को देखेंगे इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं और डिसएडवांटेज कुछ एक का थी है तो एडवांटेज में देख लेते हैं इसकी अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ टॉर्क और स्पीड पर वर्क कर सकता है इसकी इफ़िशेंसी हाई होती है और ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते इनका जो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है इसको कहीं पर भी और किसी भी समय स्टार्ट किया जा सकता है और फुल्ली लोडेड भी किया जा सकता है और ये सभी क्वाड्रेंट पर स्पीड टॉर के चारों क्वाड्रेंट में काम करता है या उसमें ऑपरेट किया जा सकता है इसका डिसएडवांटेज दो है पहला जहाँ पर जहाँ भी इलेक्ट्रिक सप्लाई में फेलियर आया इलेक्ट्रिसिटी में अगर फेलियर आया तो हमारा जो ड्राइव है इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो स्टॉप हो जाएगा काम करना बंद कर देगा दूसरी चीज़ इसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अवेलेबल वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते उस फार प्लेसेस उस दूर की जगह पर हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे इसके बाद दोस्तों क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन में तीन टाइप से ड्राइव्स को बांटा गया है पहला है ग्रुप ड्राइव दूसरा इंडिविजुअल ड्राइव और तीसरा मल्टी मोटर ड्राइव इन तीन ड्राइव में मैंने सबसे पहले इंडिविजुअल ड्राइव को एक्सप्लेन किया है देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या करता है एक मशीन को चलाता है एक मोटर से तो अगर इंडिविजुअल ड्राइव है तो एक ही मशीन को एक ही मोटर चलाएगा ठीक है एक जो मशीन है आपका जो कोई टास्क परफॉर्म करता है उसको सिर्फ एक ही मोटर के द्वारा चलाया जाएगा तो उस तरह के ड्राइव को बोलेंगे इंडिविजुअल ड्राइव इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन जो ड्रिलिंग मशीन होती है हमारे घरों में सिंगल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन वो एक तरह का इंडिविजुअल ड्राइव है सेकेंड है इसका और कहाँ पे यूज होता है ये होता है फॉर ड्राइविंग हैवी मशीन्स हैवी मशीन्स को ड्राइव करने के लिए जैसे कि लिफ्ट है क्रेन है लेथ मशीन्स हैं पेपर मिल्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की जगह पर ये यूज़ होता है इसका डिसएडवांटेज है कि इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है और एडवांटेज है कि ठीक है इस इट कैन बी रन और स्टॉप एज डिज़ायरेबल इसको कभी भी शुरू किया जा सकता है और बीच में रोका जा सकता है इससे ज़्यादा दूसरी चीज़ें प्रभावित नहीं होती ये डिज़ायरेबल होता है हम कभी भी इसको चला सकते हैं और कभी भी इसको बंद रख सकते हैं सेकेंड जो हमारा ड्राइव है ये है ग्रुप ड्राइव ग्रुप ड्राइव होता है अ ग्रुप ड्राइव ऑफ मशीन ड्राइवन बाई ग्रुप ड्राइव में क्या होता है ग्रुप ऑफ मशीन ड्राइवन बाई सिंगल मोटर एक सिंगल मोटर से ग्रुप ऑफ मशीन्स को जब ड्राइव किया जाता है तो उस तरह के इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम कहते हैं ग्रुप ड्राइव एग्जाम्पल में इट इज अडॉप्टेड वेन एग्जिस्टिंग प्लांट कोई एग्जिस्टिंग प्लांट है जहां पर पहले से मैकेनिकल ड्राइव यूज हो रहे हैं और उसको हमको चेंज करना है फ्रॉम मैकेनिकल ड्राइव टू इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव तो उस जगह पर हम ग्रुप ड्राइव का यूज़ करते हैं इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो है कि ये नॉइजी होता है इसका ऑपरेशन नॉइजी होता है लेकिन एडवांटेज है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है और इसका इनिशियल जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो लो होता है फिर थर्ड है मल्टी मोटर ड्राइव मल्टी मोटर ड्राइव में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्राइविंग मशीन मतलब एक ही मशीन एक ही ड्राइवर मशीन है जो कोई टास्क को परफॉर्म करती है उसके डिफरेंट पार्ट्स को एक्चुएट करने के लिए या उसको ड्राइव करने के लिए सेपरेट मोटर्स की ज़रूरत होती है अलग अलग मोटर्स की जरूरत होती है तो मल्टी मोटर के नाम से ही स्पष्ट है कि मल्टी मोटर मतलब तो बहुत सारे मोटर किसी एक ड्राइवन मशीन को चलाने के लिए यूज होते हैं तो उस तरह के ड्राइव को बोलेंगे मल्टी मोटर ड्राइव इसमें एग्जांपल है ट्रैवलिंग क्रेन ट्रैवलिंग क्रेन में तीन मोटर यूज होते हैं ठीक है अब उसके अलग अलग काम हैं तीन मोटर यूज हो रहे हैं पहला जो मोटर है वो यूज़ होगा हॉस्टिंग वर्क के लिए ऊपर उठाने के लिए दूसरा होगा लॉन्ग ट्रैवल दूर तक ले जाने के लिए होगा दूसरा लॉन्ग ट्रैवल और तीसरा है क्रॉस ट्रैवल मोशन क्रॉस ट्रैवल के लिए तीसरा मोटर तो जो ट्रैवलिंग क्रेन है उसमें तीन तरह के मोटर यूज हो रहे हैं तीन मोटर यूज हो रहे हैं अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए हॉस्टिंग वर्क के लिए अलग लॉन्ग ट्रैवल मोशन के लिए अलग और क्रॉस ट्रैवल मोशन के लिए अलग तो इस तरीके से टोटल तीन मोटर यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट वर्क के लिए एक सिंगल मशीनरी में तो इस तरीके के ड्राइव को बोलते हैं मल्टी मोटर ड्राइव तो इस तरीके से आग, इस लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव को अच्छे से देखा उसके नोट्स को हमको हमने पढ़ा और उसके साथ में मैं आपको क्लासिफिकेशन भी दिया ड्राइव के टाइप्स ऑफ ड्राइव भी मैंने आपको बताया तो ये इस टाइप का क्वेश्चन फाइव मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी आपका क्लियर होता है अगले लेक्चर में हम देखेंगे हमारे तीसरे लेक्चर में जो टॉपिक्स हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव को देखेंगे अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए धन्यवाद